नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी वो चाहे आरओएआरओ की परीक्षा हो, या आपकी बीईओ की परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या फिर आपके अपर पीसीएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं की जो मुख्य परीक्षा होती है, मेंस का एग्जाम होता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपका निबंध का प्रश्न पत्र। उस निबंध के प्रश्न पत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि निबंध का प्रश्न पत्र वास्तव में एक ऐसा प्रश्न पत्र होता है जिसमें आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी अगर विशेष तौर पे इसकी कर लेते हैं तो आपको एक रणनीतिक लाभ लेने की स्थिति में आप होते हैं। आपका जो कॉम्पिटिटर है, चूंकि ज्यादातर लोग एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो निबंध के लिए कोई तैयारी नहीं करके जाते, उस केस में अगर आप लोग थोड़ी सी उसकी तैयारी कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में एक रणनीतिक लाभ या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने की स्थिति में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इससे रिलेटेड मैंने अपने तमाम सारे वीडियोस में जो निबंध की स्ट्रेटजी और कैसे लिखना है, क्या करना है, वो सभी चीज़ें मैंने हमारे जो चैनल है उस पर अपलोड किए हुए हैं वीडियोज, आप लोग आशा है कि उसे देखे ही होंगे। उसके अलावा हम लोग वीकली बेसिस पर टेलीग्राम ग्रुप में फ्री इसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं, जिसमें हम लोग ऐसे को समझते हैं कि वो कैसे लिखना है, उसकी साथ में फ्री चेकिंग भी होती है, एवेल्युएशन भी होता है, और आपको मॉडल एसेज भी दिए जाते हैं। हर हफ्ते इसका टॉपिक भी बदला जाता है, और इस तरीके से लगभग 3-4 हफ्ते से हम लोग इस प्रक्रिया में हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, उसी वीडियोस में हमने आपसे ये वादा किया था कि हम आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सभी के आपको नोट्स बना करके और वीडियो के माध्यम से उसको समझा करके आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। आज इसी क्रम में हम लोग इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वास्तव में जो साहित्य और समाज विषय है, यानी जो अपने 9 टॉपिक्स हैं निबंध के प्रश्न पत्र में, उनमें जो सबसे पहला टॉपिक है उस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जो साहित्य और समाज वाला टॉपिक है। साहित्य और संस्कृति वैसे वो मेन टॉपिक है, उसमें एक निबंध होता है जो कई कई बार, हमारे ख्याल से अगर देखा जाए तो करीब 15-20 बार ये निबंध पूछा गया है कि साहित्य और समाज, साहित्य और समाज का अंतर संबंध पूछ लिया जाए, या साहित्य और समाज सीधा दिया जाए, या फिर किसी अन्य रूप में कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है, इससे रिलेटेड कई प्रकार से इसको पूछा जाता है। तो आज इस एक ब्रॉड टॉपिक पे हम लोग कुछ एक नोट्स आपको ऐसा प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, साथ में उसको समझाने जा रहे हैं, जिससे आप लोग इसका एक बेहतरीन समझ विकसित होगी। कई सारे लोगों को साहित्य और समाज एक इतना टफ टॉपिक लगता है कि वो उससे पहले ही भाग लेते हैं, उससे मतलब उसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, पहले ही से अपने मन में ऐसी एक पूर्व धारणा बना लेते हैं कि ये वाला विषय तो हमें छोड़ना ही है, जबकि वास्तव में यह एक रणनीतिक भूल होगी अगर आप ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं तो क्योंकि ये आपका सबसे पहला निबंध होता है, और सबसे पहला निबंध आपका अगर पहले से आपको बना बनाए मिल रहा है कि साहित्य और समाज इतनी बार पूछा जाता है, तो एक तरह से आपका पेपर आउट हो गया है कि साहित्य और समाज, तो आप अगर उस पर एक बेहतरीन तरीके से नोट्स अपना तैयार करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें एक बेहतरीन आप निबंध लिखने की स्थिति में होंगे। तो चलिए आज का हम लोग ये सेशन शुरू करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे साहित्य और समाज का अंतर संबंध, जैसे साहित्य और समाज से रिलेटेड अगर निबंध आए तो हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने दो जो इससे रिलेटेड भूमिका है साहित्य और समाज से रिलेटेड, उसका दो हमने उदाहरण के तौर पे आपके उसमें डाल ही दिए हैं। जैसे एक आप उदाहरण जरा दिखा दीजिए, इसमें बगल वाला, हाँ भूमिका वाला आप दिखा दीजिए, ये जैसे है ये भूमिका वाला, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये दे रखा है, और इसके अलावा एक और भी मैंने ऐसी भूमिका दी हुई है। तो देखिए, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह का निबंध लिखना है। तो एक आप वापस से वही वाला कर दीजिए, तो इससे आप ये समझिए कि भूमिका सबसे पहले लिखना होता है, भूमिका क्या लिखनी है वो मैंने दो आप लोगों को दिया हुआ है, ऐसे ही मैं 4-5 और भी प्रारूप आप लोगों के सामने डाल दूंगा जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि सभी लोग अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं लिख पाए। आज के अपने इस मैराथन वीडियो में दरअसल हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं साहित्य और समाज में अंदर का हमको कंटेंट कैसा रखना है, उसका जो मेन बॉडी है वो कैसी रखनी है। और इस पे अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये कोटेशन है, संस्कृत का आपका श्लोक है, उसको आप लोग जो है अपनी भूमिका में यूज कर सकते हैं, और अगर आपने भूमिका किसी अन्य प्रकार से लिखी है तो इसको आप लोग बीच में कहीं पर भी यूज कर लीजिए। इसमें है क्या, तो देखिए, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मे रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, यानी अग्नि पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि वो कहते हैं कि कवि जो है अपनी लेखनी चलाकर विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। तो ये आप देखिए एक ऐसा कोटेशन है जो कि साहित्य और समाज से डायरेक्टली रिलेटेड, मतलब साहित्य समाज में क्या परिवर्तन कर सकता है, इससे डायरेक्टली रिलेटेड ये कोटेशन है।
तो आमतौर पर कई लोग क्या करते हैं कि या तो साहित्य का कोई कोटेशन डाल देते हैं या फिर समाज का कोई कोटेशन डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साहित्य पर निबंध पूछा है तो बस साहित्य का कोई भी कोटेशन हो, कैसा भी हो, डाल दो। लेकिन वास्तव में जब यहाँ पे टॉपिक पूछा है इन दोनों से रिलेटेड, तो आप कुछ अगर ऐसा कोटेशन डालेंगे जो कि वास्तव में इन दोनों ही से संबंधित हो तो वो आपके लिए ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होगा। उसके बाद देखिए अगला है कि अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। अब ये देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसके माध्यम से भी साहित्य की महत्ता को बताया गया है। तो चलिए ये तो आप लोग कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हम लोग मेन बॉडी पे आते हैं, तो ये नीचे करिए जरा। अब देखिए विषय प्रवेश का मतलब यह है कि जो भूमिका तो आपने लिख दी, भूमिका का दो उदाहरण हमने दे रखे हैं, जल्दी हम लोग और भी उदाहरण देंगे जिसको आप लोग अपने उससे एक आप लोग अपना आइडिया लगा सकते हैं और उससे जो है भूमिका तो आपकी तैयार हो जाएगी। अंदर देखते हैं कि भूमिका के जो अगला वाला पैरा होता है उसमें दरअसल उसको मैंने विषय प्रवेश दिया है कि मतलब उससे आप लोगों को विषय के अंदर प्रवेश करना है, यानी भूमिका के अगला पैरा भी वास्तव में उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे भूमिका देखिए एग्जामिनर आपकी जांचेगा ही, वो एक पैरा और भी पढ़ने की कोशिश करेगा कि वो यह समझ सके कि क्या स्तर है। तो ठीक है, बाकी बीच का निबंध कम चांसेस रहते हैं कि वो लोग पूरा पढ़ें वैसे ही, परंतु पहला दूसरा पैरा आपका बहुत ज़्यादा आकर्षक होना चाहिए। तो देखिए विषय प्रवेश का नाम मैंने उसी के लिए लिखा है जो हमारा सेकेंड पैरा है, उसमें आप लोग क्या लिखेंगे तो उसमें के लिए कॉन्टेंट आपका देखिए थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दीजिए। तो देखिए कंटेंट है कि साहित्य क्या है, तो साहित्य के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि साहित्य दरअसल मनुष्य की ऐसी लिखित अभिव्यक्तियां हैं, ऐसी लिखित अभिव्यक्तियां जिनमें मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं उद्घाटित होती हैं। ठीक है, तो मानवीय जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं आदमी के, उसके जो भी संवेदनाएं हैं वो उद्घाटित होती हैं, और ये संवेदनाएं किस तरह की हो सकती हैं, तो ये संवेदनाएं ध्यान रखें स्वानुभूत भी हो सकती हैं, यानी उस पर जो आप बीती है उसकी, उसके अपने ऊपर। स्वानुभूत मतलब स्व अनुभूत, मतलब जो उसने खुद अनुभव किया है, स्वानुभूत भी हो सकती है, ये स्वयं वेदना भी हो सकती है। स्वयं वेदना का मतलब जो आपकी आपके साथ जो बीती हुई है, आपकी जो अपनी कहानी है, आपकी अपनी जो पीड़ा है, वह भी ये साहित्य में होता है। साथ ही ये परांगमुखी संवेदना भी हो सकती है। तो देखिए ये शब्द भी बड़ा अच्छा है कि स्वयं वेदना और संवेदना, तो ये दोनों में अंतर यही है कि परांगमुखी भी हो सकती है। मतलब परांगमुखी मतलब किसी और की तरफ जिसका मुख हो, यानी किसी और को केंद्रित करती हुई ऐसी कुछ संवेदनाएं हों, फीलिंग्स हों, तो वो भी साहित्य में ही आता है। इसी प्रकार देखें कि समस्याओं की पड़ताल या फिर कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में साहित्य में बात की जाती है, तो साहित्य दरअसल इन सभी का मिला जुला रूप होता है, यानी ऐसी लिखित अभिव्यक्तियां होती हैं जिनमें मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं उद्घाटित होती हैं। स्वानुभूत हो सकती है, स्वयं वेदना हो सकती है, परांगमुखी संवेदना हो सकती है, और किसी भी समस्या की, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक समस्याओं की तफसील से इसमें पड़ताल की जा सकती है। इन सभी का नाम जो है साहित्य कहलाता है, ये सभी चीजें साहित्य में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद देखिए साहित्य आरंभ से, अब आपको विषय के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे ये साहित्य और समाज, ये तो आपने बता दिया साहित्य क्या है, अब साहित्य और समाज जो आपका टॉपिक था उससे आपको पूरे निबंध में कहीं से भी उससे अलग नहीं जाना है। कई बार ऐसा देखा गया कि लोग भटक जाते हैं, बीच में रास्ता भटक जाते हैं, उनको जो है साहित्य और समाज में, वास्तव में वो जो है साहित्य ही के बारे में लिखते रहते हैं या फिर वो केवल समाज के ही बारे में लिखते रहते हैं। ऐसा ना करते हुए आपको साहित्य और समाज को थ्रू आउट योर ऐसे आपको उसको साथ में लेकर चलना है। यहाँ पर देखिए जो अगला वो फिर हमने शुरू किया तो वो ये है कि साहित्य आरंभ से ही एक विशेष उत्तरदायित्व से युक्त होता है। साहित्य आरंभ से ही एक विशेष उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साहित्य के सर पर एक इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो समाज का हित करे, उस समाज का हित करना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका निबंध क्या है तो साहित्य और समाज। अब इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है कि आप ये कह रहे हैं कि साहित्य का मकसद ही दरअसल है कि समाज का हित करना, और कैसे है तो उसके प्रमाण के तौर पे, उसके एविडेंस या उदाहरण के तौर पे आप ये लाइन लिख सकते हैं साहित्यकर इति साहित्य, मतलब जो हितकर है वही साहित्य है, मतलब जो समाज के लिए हितकर है, जो समाज के लिए लाभकारी है वही वास्तव में साहित्य है। तो ऐसा जो है समाज साहित्य का मतलब ही है कि समाज का हित करना। ठीक है, इसको ऊपर कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि साहित्य में वास्तव साहित्य और समाज में इतना गहरा संबंध होता है
कि साहित्य में अनायास ही समाज की झलक मिल जाती है। मतलब कई बार लेखक जो है या कवि जो होता है वो चाहता भी नहीं है कि वो उसमें अपना कुछ डाले, मतलब अपना जो है वो उसमें समाज को दिखाए उसमें वो नहीं चाहता है, परंतु फिर भी वो कुछ भी बात करेगा तो उसमें समाज की झलक तो मिल ही जाती है। इन दोनों में इतना गहरा संबंध है। तो ये आपने जो सेकंड पैरा बताया उसमें भी वास्तव में ये आपकी एक बेहतरीन भूमिका का ही काम करेगा जब आप उसको इस तरीके से शुरू करेंगे। तो इसका अगर आपको डेमो देखना हो तो आप उसमें मॉडल ऐसे जो दिया गया है आप उसको भी देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स से कैसे अच्छे अच्छे वाक्यों को बना करके हम लोग एक बेहतरीन निबंध की भूमिका जो है तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लोग आते हैं कि अब देखिए एक चीज है साहित्य, दूसरा है समाज, ठीक है। इन दोनों में अगर अंतर संबंध पूछा गया है कि साहित्य और समाज कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो सबसे बड़ी बात कि ये इस पे क्या इंपैक्ट डालता है, एक तो हम इस बात का अध्ययन कर लें और दूसरी बात कि ये इस पे क्या इंपैक्ट डालता है इसका अध्ययन कर लें। तो जब साहित्य समाज पे क्या इंपैक्ट डालता है, क्या प्रभाव करता है, कैसे प्रभावित करता है उसको समझ लें, और साहित्य समाज को कैसे करता है, इन दोनों बातों को जब हम समझ लेंगे तो हमारा जो है निबंध की एक अच्छी खासी स्थिति वैसे ही तैयार हो जाएगी। निबंध के लिए कई सारे पॉइंट्स आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे और यही वास्तव में आपको निबंध में लिखना भी है, इस निबंध में साहित्य और समाज में, या फिर आपका अगर साहित्य और संस्कृति भी आता है तो उसमें भी आप इसी तरह का कुछ खाका बना सकते हैं। ये सभी निबंध हम लोग क्रम बाय क्रम आपको जितना भी आपका समय है मेंस के एग्जाम तक उन सभी में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी निबंध जो UPSC में पूछे जाते हैं या फिर अभी तक पूछे गए हैं उन सभी में जो जितने भी कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट वगैरह से रिलेटेड नहीं है बल्कि बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग क्रम बाय क्रम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। उसके नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जिसको टेलीग्राम लिंक में अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। दो ग्रुप हैं, दोनों में आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें कई सारे अन्य भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो आप लोगों के लिए बेहद लाभकारी हैं। अब देखिए अगला आते हैं कि साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है। मतलब अब हम लोग को ऐसे उदाहरण ढूंढने हैं जिसमें साहित्य समाज को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात कि समाज की समस्याओं की पड़ताल करता है, वह सुझाव देता है, यानी साहित्य जो है वो समाज को कैसे प्रभावित करता है। तो साहित्य समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनकी बेहतरीन तरीके से उनकी जड़ में जाके उनके सभी कारणों को समझता है, उसके निदान क्या हो सकते हैं उनको सुझाता है, इन सभी के बारे में वो समाज की समस्याओं की पड़ताल करता है, उस पर सुझाव देता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा प्रेमचंद ने अपनी कहानियों या उपन्यासों के माध्यम से ऐसी कई सारी समस्याएं, चाहे वो बेमेल विवाह की समस्या हो, दहेज की समस्या हो, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की, या दलितों के प्रति जो उनकी संवेदना थी उसको व्यक्त किया है, या फिर जो नारियों को उचित स्थान नहीं मिलता था उसको उन्होंने व्यक्त किया है। तो ऐसे करके प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से या अपने जो उपन्यासों के माध्यम से लगभग सभी सामाजिक समस्याओं को उन्होंने छुआ है। अलग अलग समय पर यही समस्याएं अलग अलग राइटर्स हमेशा से उठाते रहे हैं। और इसमें देखिए अगर हम लोग को उदाहरण देना है कि क्या हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, तो एक दो उदाहरण आपको अगर दे देते हैं और साथ में कविता वगैरह कुछ भी ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि साहित्य का निबंध है तो साहित्य में आपको जरूरी है कि प्रमाण के तौर पर आप कुछ इस तरह की चीजें भी उसमें डालें। ये सब चीजें आपके निबंध को बेहतरीन तरीके से अलंकृत करती हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण के तौर पे हम लोग कोई ऐसी समस्या ले लें जिस पे साहित्य में कुछ कहा गया हो। तो जैसे असमानता जो आर्थिक असमानता आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हम लोग अमीर तो होते जा रहे हैं, वास्तव में एक देश के स्तर पर हम लोग अमीर हो रहे हैं, परंतु व्यक्ति के स्तर पर अभी भी हम लोग गरीब हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो वास्तव में जो धन है वो कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है। ये आर्थिक असमानता या सामाजिक असमानता ये हमारे समय की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, सबसे बड़ी विद्रूपता है जिससे हम लोग आज सामना कर रहे हैं। और इसके बारे में साहित्य में पहले ही से कहा गया है कि स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। बस ये दो लाइन आपको याद करनी है, अपने निबंध में इसको डाल दीजिए, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते। स्वान मतलब कुत्तों, कि आजकल कुत्तों को देखिए पालने का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो अमीर वर्ग है वो कुत्तों को पालता है, उनको बढ़िया बढ़िया खाना भी खिलाता है, जबकि कई सारे निर्धन लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज भी भूखे पेट सोते हैं। तो ये एक असमानता का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमें साहित्य में मिलता है। इसको आप रट लीजिए, आपका जो है एक बात प्रामाणिक हो जाएगी जब आप इस तरीके से उसको अलंकृत करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ देखिए
बेरोजगारी एक आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने जानबूझ के यहाँ पर समाज की समस्याओं में ऐसी ही समस्याएं लिखी हैं जो वर्तमान के दौर में सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। तो देखिए, बेरोजगारी आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, और बेरोजगारी की बात करें तो इस पे वास्तव में बहुत समय पहले तुलसीदास जी, मतलब जिस समय पे आर्थिक रूप से कोई चेतना समाज में मौजूद नहीं थी, उस समय पे तुलसीदास जी ने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन कही है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो इस पे उन्होंने कहा है कि किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं है, जो वाणिज्य करता है यानी जो व्यापारी है उसको व्यापार करने को नहीं मिल रहा है, चाकर यानी नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे करके उन्होंने आर्थिक जो बेरोजगारी की स्थिति थी उस पर भी उन्होंने तंज कसा था उस समय पर। तो वैसी ही स्थिति कमोवेश आज भी उपलब्ध है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर साहित्य ने समाज की समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से उद्घाटित किया है, उसको प्रकट किया है। और यही चीज देखिए, असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याएं, इनमें आप आज के भी कोई ऐसे एग्जांपल्स डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी पे आप डाल सकते हैं कि असलम साहब का एक शेर है कि असलम बड़े वकार से डिग्री वसूल की और उसके बाद शहर में खांचा लगा लिया। तो मतलब आदमी डिग्री वसूल करता है, उसके बाद जो है जाके कोई छोटा मोटा काम कर लेता है, लेकिन वास्तव में जो डिग्री है वो किसी भी काम की नहीं रह गई है। ठीक है, इसी प्रकार से एक आपका जैसे वो एक शायरी है कि कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव लिए, कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव, कागज की एक नाव मतलब जो आपकी डिग्री है उसी को कहा जा रहा है कि कागज की एक नाव है। तो कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं, कागज की एक नाव लिए, चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेगारी है। मतलब पूरी चारों तरफ नदी है, नदी में केवल जो है बेगारी मतलब बेकारी है। बेकारी का मतलब कि वहां पर कोई जो है किसी को ना जॉब है ना कुछ है, उसमें आप जो कागज की नाव है उससे आप कैसे पार कर पाएंगे। मतलब जो आपके सामने जो एक डिग्री है उससे आप वास्तव में उस भवसागर को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है उसमें बताया गया है, इसको ऊपर कर दीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की वकालत। अब देखिए साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है, तो वो जो है पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की वकालत करता है। मतलब जो समाज में ऐसे कमजोर या पिछड़े तबके हैं उनकी भी वो वास्तव में वकालत करता है, और उनमें जैसे दलित वर्ग आ गया। तो दलित वर्ग जो है वो सदियों से वो शोषित और दमित था, उसके बारे में भी साहित्य में आप प्रेमचंद को देखते हैं। प्रेमचंद के कई सारी ऐसी कहानियां या उपन्यास हैं जिसमें उन्होंने इसका भरपूर वर्णन किया है, और इनको भी बल्कि कई जगहों पर तो वो दलितों के मन में एक मतलब उनकी विद्रोही चेतना को भी उन्होंने दिखाया है। मतलब अब दलित जो है केवल सहन नहीं करेंगे बल्कि वो विद्रोह भी करने की स्थिति में है, ऐसा उन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया है। और वो चाहे आपका गोदान का ले लीजिए या किसी और निबंध, उसमें देखिए आप कि प्रेमचंद ने इसको दर्शाया है। अंबेडकर जब जो है वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा लिखते हैं मीकासा झाला या फिर ऐसी चीजें, तो वो दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसके बाद देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, ये जो है इनकी एक कृति है जूठन, जो वास्तव में दलित विमर्श के लिए सबसे बढ़िया कृति मानी जाती है। बल्कि दलित विमर्श अगर इंडिया में स्टार्ट किया है तो वो ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने ही किया है अपनी जूठन कृति के माध्यम से। दो भागों में आती है, अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन कृति है। ठीक है, बहुत ही अच्छा नॉवेल है। और इसके बाद देखिए अगला है कि किसान मजदूर। तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति में और कौन कौन आता है, तो किसान मजदूर इनके बारे में भी देखिए तो अलग अलग कवियों ने अलग अलग बातें कही हैं। कई सारी आपको कविताएं इस पे मिल जाएंगी जो किसान और मजदूर के ऊपर होती रहेगी। जैसे कि मैं आपको डेली बेसिस पर जो हम लोग आरओ के लिए आपको पीडीएफ देते हैं हिंदी की, उसमें आपको साथ में निबंध की कोटेशंस भी दी जाती हैं। वो कोटेशंस दरअसल इसीलिए होती हैं कि आप उसको अपने निबंधों में यदा कदा यूज करते रहें, उसी से आप इसको उठा सकते हैं। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही कराया था कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरख, ऐसे करके कुछ था उसमें, ये था कि भगवान कहीं खेतों में गिट्टी तोड़ रहे, भगवान मिलेंगे खेतों और खलिहानों में,
ऐसे करके उसकी लाइन थी, अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद आ रहा, तो आप उसको जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी प्रकार देखिए आप नारी के ऊपर, तो नारियों के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि कत विधि सृजी नारी जग माही, यानी विधाता ने किस तरह से नारी को सृजा है या बनाया है कि पराधीन सपने सुख नाही, कि मतलब उसको सपने में भी सुख नहीं है, हमेशा वो पराधीन रहती है। तो इस पे देखिए नारी के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, और तुलसीदास वगैरह हुए, तुलसीदास जी हुए या प्रेमचंद हुए या ऐसे कुछ एक राइटर्स हैं जिनको आप लोगों को अपने निबंध में कोट करना ही करना है, क्योंकि आप मानिए ना मानिए परंतु तुलसीदास हुए या रामचंद्र शुक्ल हुए या फिर प्रेमचंद, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में साहित्य की दिशा बदल दी एकदम, मतलब उसको काया पलट कर दी, तो इसलिए उनका बहुत बड़ा स्थान है। और आप लोगों को उनकी बातों को अगर आप डालेंगे तो वो सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। तुलसीदास आज के समय के सबसे बड़े कवि हैं जिनकी रचना जो रामचरितमानस है विश्व के हरेक, मतलब विश्व के कोनों में कई घरों में तो प्रतिदिन पढ़ी जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितने सफलतम कवि हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए नारी पे आपकी जो सिमोन द बोअर थी, आपको जरूरी नहीं है कि आप केवल हिंदी का ही डाल, बल्कि अच्छा ये होगा कि आप उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के या तमिल भाषा के या कोई भी ऐसे भी कवियों के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसे उदाहरण डालते रहे। ठीक है, तो उससे आपका निबंध लगेगा कि आपका निबंध साहित्य पे है, ना कि ये निबंध है हिंदी साहित्य और समाज। जाहिर सी बात है कि हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा कि हम लोग अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा रेशियो आपको हिंदी का ही रखना है, परंतु फिर भी आप थोड़ा बहुत अगर डाल देंगे तो वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर देखिए स्त्रियाँ पैदा नहीं होती बना दी जाती हैं, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है सिमोन द बोअर का। इनकी बुक थी द सेकेंड सेक्स, उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने ऐसी वो बुक लिखी, बहुत ही बेहतरीन बुक नारी विमर्श की मानी जाती है, जिसके बाद से वास्तव में विश्व के स्तर पर नारी विमर्श की शुरुआत हुई। तो अगर आप नारी की बात कर रहे हैं तो आप अगर इनको कोट करेंगे तो ये सर्वाधिक प्रामाणिक शख्स मतलब लेखिका हैं जिनको आप लोग कोट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग जो आगे भी हमारा है कि साहित्य किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है, उसमें जो अगले पॉइंट्स हैं उसमें देखिए कि व्यवस्था पर सवाल उठाने की क्षमता, तो साहित्य में वास्तव में इतनी ताकत होती है कि वो व्यवस्था से डायरेक्ट प्रत्यक्ष टकराव लेने की स्थिति में होता है। जैसे राजनेताओं पर वो कई बार व्यंग करते हैं, जब नागार्जुन कहते हैं, नागार्जुन जब इंदिरा जी जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तानाशाही प्रवृत्ति दिखा रही थी, तो उस समय में नागार्जुन ने खुल के ये बात कही, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को, मतलब नेहरू के आदर्शों को आप भुला करके और सत्ता के मद में खोई हुई हैं। उस पर उन्होंने देखिए इतनी करारी चोट, सीधा नाम लेकर चोट की थी, ये मादा केवल एक साहित्यकार एक लेखक के मन में ही हो सकता है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार से है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो ये भी जो है जिस भी राज्य में अगर प्रजा दुख में है तो वो समझ लीजिए नरक के बराबर है ऐसा राजा। तो ये देखिए आपका राजनेताओं पर व्यंग है। इसी प्रकार से आप महाभोज में देखेंगे तो महाभोज, इस प्रकार के उपन्यास अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में आप होंगे अगर आप निबंध का प्रश्न पत्र अटेंड करते हैं तो, क्योंकि निबंध में वास्तव में इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक आपकी जो क्वालिटी है निबंध की वो बहुत बढ़ जाती है, और मतलब जो चेक करता है या जो पढ़ता है उन निबंधों को उसको भी लगता है कि ये इसने केवल जो है ये किताबी कीड़ा नहीं बन के रह गया है, बल्कि इसने वास्तव में विषयों का या समाज का या अलग अलग डायमेंशन से समाज का अध्ययन करने की कोशिश की है, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो या किसी अन्य कला के माध्यम से। तो देखिए महाभोज में चरित्र उजागर, तो महाभोज उपन्यास है, उसमें एक दद्दा जी का चरित्र है। दद्दा जी वास्तव में एक ऐसे घाघ राजनीतिज्ञ हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बातें करते हैं, परंतु वास्तव में उनकी सच्चाई अलग है। वास्तव में वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, व्यावहारिक स्तर पर सोचते हैं और अपनी जो एक राजनीति में जितनी भी नीचता करनी पड़े वो सब करते हैं, परंतु बातें उनकी बहुत आदर्श की हैं। तो ऐसी आपने अब जैसे ये चीज समझ ली, आप भले ही महाभोज को ना भी पढ़िए लेकिन आप इसको अपने कहीं पर नोट करके रख लीजिए कि दद्दा जी हैं कोई, वो ऐसी चीजें करते हैं। बस इसको जहां पर भी मौका मिले आपको साहित्य समाज वाले निबंध में या फिर कहीं पर भी कोई भी ऐसा पॉइंट आए आपके जीएस मेंस के आंसर राइटिंग में भी, वहां पर भी आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि अगला उसमें ये भी आप लिख सकते हैं, ये मुनव्वर राणा साहब का शेर है, अभी दो
कुछ दिनों पहले आपके जो डेली वाला हमारा हिंदी का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग वीडियो और एक पेज के माध्यम से आपको आरओ की हिंदी की तैयारी करा रहे हैं, 7-8 बुक्स से उसमें नोट्स वगैरह बने रहते हैं, उसमें भी हमने इसको दिया हुआ था कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। तो इसका हमने पूरा अर्थ और उसका संदर्भ सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, आप लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे तो आप खुद ही समझ जा रहे होंगे कि हम लोग उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि किस प्रकार से साहित्य जो है वो समाज को बदलने की कोशिश करता है। तो विचारधारा के स्तर पर भी, विचारधारा में जब टकराव होता है किन्हीं कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी साहित्य की भूमिका स्वयमेव बढ़ जाती है। देखिए, जब विचारधारा में टकराव होता है कि दक्षिणपंथी अच्छा है वामपंथी अच्छा है, तो उसमें फिर नागार्जुन एकदम सीधा सीधा बात बोलते हैं कि भाड़ में जाए दक्षिणपंथी वामपंथी। तो देखिए, क्या है दक्षिण, क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। तो जनता को विचारधारा में आप मत उलझाइए, जनता को तो रोटी से काम है, आप उसको प्रोवाइड कराइए। तो ये जो ताकत है ये केवल कवियों में ही आ सकती है, जो कि समाज के बदलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं। और देखिए उसके बाद, अब जैसे ये हुआ विचारधारा के स्तर पर, तो देखिए आपको पता है पूंजीवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, ये सभी विचारधाराएं अलग अलग थी। तो पूंजीवादी विचारधारा पे इन्होंने एक बहुत अच्छा व्यंग्य किया है नागार्जुन जी ने। नागार्जुन बेसिकली एक मार्क्सवादी साहित्यकार थे, प्रगतिवादी साहित्यकार थे। तो उसमें देखिए उन्होंने ये बात बोली है कि अबे सुनबे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब खून चूसा खाद का तूने असिस्ट डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। तो ये पूंजीवादियों पे एक बहुत अच्छा व्यंग किया है। तो वो मतलब आप देखिए कि समाज की सभी समस्याओं पर, सभी वैचारिक द्वंद्वों पर, सभी जो स्थितियां हैं समाज की विद्रूपताएं, उन सभी पर उन्होंने मतलब साहित्य जो है वो एक दिशा दिखाने का काम करता है। शिक्षा व्यवस्था में जो भी कमियां हैं उसको भी उजागर करने की साहित्य ऐसा प्रयास करता है। जैसे जब मैथिली शरण गुप्त साहब कहते हैं कि बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि न दे सको तो बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि न दे सको तो मूर्ख रहकर ही मरो। यानी वो इस बात पर व्यंग करते हैं कि आज के समय में शिक्षा उसी को मिल सकती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं हो तो शिक्षित ही नहीं हो सकता। ये वास्तव में हम लोग कैसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त साहब एक बेहतरीन व्यंग जो है अपने जो उनकी पुस्तक थी भारत भारती थी, उसमें उन्होंने ऐसी कई सारी सामाजिक समस्याओं को एक साथ समग्रता के साथ उनको उठाया, उसकी समाधान करने की भी कोशिश की है। अगला देखते हैं कि क्रांति का बिगुल बजाने में भूमिका। तो यानी कि जो साहित्य क्या करता है, अभी ये हमारे यही चीज चल रहा है कि साहित्य समाज को कैसे प्रभावित करता है। इसका दूसरा पार्ट है कि समाज साहित्य को कैसे प्रभावित करता है, वो हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज का देखिए कि क्रांति का बिगुल बजाने में भूमिका। तो साहित्य जो है समाज में क्रांति लाने की भी ताकत रखता है। कैसे रखता है, तो ये देखिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जब होती है उस समय, अच्छा देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई ये मैंने बोला, परंतु यहाँ पर आपको निबंध जब भी आप लिख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर 1789 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक अगर डेट डालते हैं या कुछ ऐसा डालते हैं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। बल्कि आप उसको कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वो आपका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि निबंध आपका लेख नहीं है, निबंध में विचार ज्यादा होते हैं, भाव ज्यादा होते हैं, वहां पे तथ्यों की भरमार मत कीजिएगा। कई लोग ऐसा निबंध लिखते हैं जिसमें तमाम सारे तथ्य ही तथ्य डाल देते हैं, वो गलत माना जाता है। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति में आप देखते हैं कि रूसो हो गया, वोल्टेयर हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, ये लोग पूरी की पूरी, इनकी जो वैचारिक ताकत थी, इनकी जो लेखनी में इतना दम था कि इन्होंने पूरे देश में क्रांति करवा दी, मतलब देश का सारा कुछ पलट के रख दिया, ठीक है। रूसो कहते हैं कि हमारा समाज जो है वो कई प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, इसलिए हमें जो है पूर्व की तरह ही लौटना होगा, मतलब हम जैसे नेचुरल थे वैसे लौटना होगा। तो यानी कि प्रकृति की ओर लौटो का इन्होंने बेहतरीन एक नारा दिया। वोल्टेयर भी इसी प्रकार से तर्कों पर बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू देखिए, जैसे आपको पता ही होगा पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत,
वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जो कि वास्तव में देखिए भारतीय संविधान तक पर भी उसकी उसकी छाप है। तो यानी एक जो आपका साहित्य है या जो एक लेखक है वो क्या क्या कर सकता है, तो वो अपने देश में तो क्रांति करा ही सकता है, बल्कि विश्व के अनेक देशों के संविधान में उसकी छाप दिखती है। तो आप समझ सकते हैं कि साहित्य का समाज से कितना गहरा संबंध है। उसी प्रकार से देखिए कि रूसी क्रांति में, मतलब पूरे रूस में 1917 में जो क्रांति हुई उसमें देखिए कि टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव, गोर्की, इन लोगों की एक बड़ी भूमिका थी। इसी प्रकार से आप फिलिस्तीनी संघर्ष देखते हैं, फिलिस्तीनी संघर्ष में नाजिम हिकमत साहब की, भूमंडलीकरण जो आपका चला उसमें देखिए तो नोम चोम्स्की की बहुत ज़्यादा एक बड़ी भूमिका ग्लोबलाइजेशन को लाने में रही। उसके बाद देखिए आप भारत में, भारत के भी स्तर पर देखेंगे तो आप देखिए आप वर्ल्ड की लेवल पे भी बात कर रहे हैं, साथ में भारत के लेवल पे भी बात कर रहे हैं। क्योंकि साहित्य और समाज जो आपसे निबंध पूछा गया है, ये केवल ये नहीं पूछा गया कि भारतीय साहित्य भारतीय समाज को कैसे प्रभावित करता है, बल्कि आप अगर इसको एक बड़ा आयाम देते हुए इसको वर्ल्ड लेवल पे कवर करेंगे तो वो आपका एक और भी ज़्यादा प्रामाणिक निबंध माना जाएगा। इसीलिए अगर आप निबंध की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप उसमें एक रणनीतिक लाभ लेने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डायमेंशंस हैं जो कि आप अपने निबंध को उससे विशिष्ट बना सकते हैं। जबकि आमतौर पर लोग उसको बस ऐसे ही लिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बस भारतीय साहित्य, वो भी हिंदी साहित्य तक ही उसको सीमित रख के और ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आपके पास इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो आप इसमें से जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स आपके निबंध में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अभी ये आधा ही पार्ट है, अभी इसके आधा और बाकी है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का भंडार मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई सारी बातें आप लोग भूलेंगे भी, तो उसमें आपको जो भी चीज़ें याद आ जाएंगी आप उसको उसको लिख देंगे, आपके बहुत अच्छे नंबर उसमें आ जाएंगे। तो देखिए अगला है कि भारत में क्रांति कैसे हुई। तो भारत में देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब ये जो है इन्होंने अपने साहित्य को प्रकट किया तो उसके बाद देखिए इनको एक मतलब पुनर्जागरण या नवजागरण का, हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत कहा जाने लगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लोगों को जगाने का काम करते हैं। जैसे जब ये कहते हैं कि हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, भारत दुर्दशा इन्होंने जो लिखा उसमें कई सारे ऐसे कोटेशंस हैं जिसके माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज को झकझोलने का काम किया। तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कोई एक कोटेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए उसके बाद मैथिली शरण गुप्त ने जो आपका 20th century थी उसकी शुरुआत में इन्होंने भारत भारती लिखा, वो इतना मतलब पॉपुलर उनका बुक रहा कि उसको पढ़ने के लिए, उस बुक को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीख लिया, जो दक्षिण भारतीय लोग थे उन्होंने हिंदी सीख लिया कि उस बुक को पढ़ा जाए, और वो बुक एकदम सरल भाषा में उन्होंने समाज की सभी समस्याओं का और साथ में अंग्रेजों की भी समस्या, उन अंग्रेजों से रिलेटेड भी जो चैलेंजेस थे उन सभी को एकदम सपाट अविधा भाषा में उसको प्रयोग करते हुए सभी के सामने रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए निराला जो है आपके निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने अपनी कई सारी कविताओं के माध्यम से ऐसे चोट की, जैसे कि आपकी राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से जब वो कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इसका अर्थ यह भी लगाया जाता है कि ये जो है समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, देश को दिशा देने का काम कर रहा है कि भाई अगर आपका अहिंसा से आपको आज़ादी नहीं मिलती है तो आप कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। तो ऐसे करके ये लोग भी अपनी भूमिका निभा रहे। प्रेमचंद देखिए, प्रेमचंद जो है उन्होंने समाज को बदलने की दिशा में बड़ा योगदान दिया। नागार्जुन, दिनकर, ये लोग भी समाज में क्रांति लाने की, जब 1975 के समय पर जो क्रांति होती है उनमें ये लोग बहुत फेमस थे। तो आप देखिए कि हमेशा से जो है, इसको और नीचे कर दीजिए, इसी प्रकार देखिए कि कुल मिला के इसमें देखिए समाज का कायापलट करने की क्षमता होती है, यानी साहित्य में समाज को बदलने की क्षमता होती है, उसको कायापलट करने की क्षमता होती है। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, जो मीकसा झाला या फिर अपनी जो अन्य सोसाइटीज या साहित्य के माध्यम से इन लोगों ने कई सारे ऐसे अखबार निकाले, गांधी जी जैसे हुए तो इन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, इस तरीके से इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा अपनी जो पत्रिकाओं के माध्यम से ये समाज को बदलने की कोशिश कर रहे थे। और वास्तव में आप देखिए तो इन लोगों के जो विचार थे, इन लोगों के जो साहित्य थे, उससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस समय काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। आप अगर पुरानी स्थितियों से कंपेयर करेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़े हैं, यद्यपि हमें अभी और आगे बढ़ना है।
तो आप जैसे वो LIC की एक कोटेशन है ना, उसको भी आप लोग अपने निबंध में धड़ल्ले से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम लिखे तो उसके साथ में लिख दिए कि मिलो हम आ गए हैं, मिलो हमें जाना है, तो इस प्रकार से आप जो है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, संक्रमण काल में समाज को दिशा दिखाना, तो ये भी साहित्य का काम है कि वो संक्रमण काल में समाज को दिशा दिखाने की कोशिश करता है और समाज में नैतिकता की पुनर्स्थापना। आप देखिए कि जब हिंदू मुस्लिम, जब मुसलमानों का आगमन हुआ इंडिया में और मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम तनाव या संघर्ष जब अपने चरम रूप पे था, वहां पर आपस में काफी ज्यादा संघर्ष हुआ करता था, उस समय पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, यानी रामायण की कहानी को, वाल्मीकि रामायण की कहानी को उन्होंने दोबारा से लिखा, लोक भाषा में लिखा, यानी कि सभी लोगों को वो समझ में आ जाए इस प्रेरणा से लिखा। और साथ ही साथ उन्होंने जब आदमी सत्ता के लिए, मध्यकाल में आप देखेंगे सत्ता के लिए खूनों का संघर्ष होता है, उस जगह पे उन्होंने एक ऐसे मूर्ति को स्थापित किया, एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित किया, आदरणीय मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र को उन्होंने उजागर किया, जिससे कि वो यह दर्शा सकें कि यहाँ पर एक आदमी है, यानी भरत है, जो उनके लिए अपनी गद्दी छोड़ देता है। और मध्यकाल का समय वही था जब भाई भाई के लिए सत्ता के लिए संघर्ष कर देता था, उनका खून कर देता था, आप मुगल काल में ऐसा देख सकते हैं। उस समय पर उन्होंने भगवान राम को स्थापित किया, जहां पर वो एक दूसरे के लिए वो लोग गद्दी छोड़ने को तैयार हैं। इसी प्रकार देखिए, भगवान राम के ही चरित्र के माध्यम से उन्होंने, सॉरी, इस कहानी के माध्यम से, पूरा रामायण की जो भी कहानी थी उसके माध्यम से उन्होंने एक आदर्श पति का भूमिका समाज में दिखाई, एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए ये बताया, एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए ये बताया, इन सभी चीज़ों को उन्होंने जो है रामायण या रामचरितमानस की कहानी से उल्लिखित किया। तो देखिए, यही चीज़ कही जा रही है कि वो समाज को दिशा दिखाते हैं संक्रमण काल में, यानी मध्यकाल में जब बहुत स्थितियां खराब थी, उस समय पर उस समाज को दशा दिखाने के लिए, एक नई दिशा सुझाने के लिए वहां पे किसी ऐसे एक पौराणिक चरित्र को पुनर्उजागर करते हैं, पुनर्स्थापन करते हैं, उसके माध्यम से वो नैतिकता का समाज में पुनर्स्थापना करने की चेष्टा करते हैं, ऐसा हमें जो है इसमें दिखता है। तो चलिए, आज का जो हमारा निबंध है, ये दरअसल हमारे साहित्य और समाज का जो मैराथन वीडियो है उसका हाफ पार्ट है। इसका अगला पार्ट हम लोग अगली बार लाएंगे। इसको अभी ना करा पाने का कारण ये है कि हमारे पास अभी स्टोरेज की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, और इस वजह से हम लोग को ये वीडियो जो है बीच में ही रोकना होगा, और इसका अगला पार्ट हम लोग जल्दी ही कुछ दिन में अपलोड कर देंगे, जिसमें आप लोग इस पूरे निबंध में साहित्य और समाज से, आपको भी पता है, आप सभी लोग अगर थोड़ा सा भी इस परीक्षा से का अनुभव होगा तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मेंस परीक्षा में जो ऐसे का प्रश्न पत्र होता है, वो चाहे अपर PCS हो या BEO हो या फिर RO, उसमें साहित्य और समाज से इतनी बार ऐसे पूछे गए, निबंध पूछे गए, तो उसको अगर हमें तैयार करना है तो ये पॉइंट्स आपके लिए कितना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इस बात को आप अभी तक समझ गए होंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सभी विषयों के, सभी महत्वपूर्ण विषयों के, सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आप लोगों को नोट्स भी देंगे और साथ ही वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझाएंगे भी। और चलिए, ये जो था हमारा, इसका आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, दोनों में अलग अलग कई प्रकार के इनिशिएटिव्स उसमें कराए जाते हैं, और उम्मीद है आपको हमारा ये पहल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसमें कमेंट करके हमें एक बार अवगत जरूर कराएं, ताकि हम आगे भी इस प्रकार के वीडियोज बनाने की प्रेरणा आपसे ले सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।